तो स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत का सबसे लंबा बजट अभिभाषण 2 घंटे 40 मिनट का अभिभाषण निर्मला सीतारमण ने दिया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है, बजट पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। दिल्ली के साथ फिर सौतेला व्यवहार हुआ, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली को बजट से बहुत उम्मीदें थी, चुनाव से पहले ही ऐसा व्यवहार, चुनाव के बाद वादे क्या निभाएगी बीजेपी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। बजट पर सीएम केजरीवाल का बजट ट्वीट सामने आया है। दिल्ली के साथ फिर से सौतेला व्यवहार किया गया, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली को बजट से बहुत उम्मीदें थी, चुनाव से पहले अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो अपने वादे क्या निभाएगी बीजेपी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो बेहद बड़ी खबर है, दिल्ली के मुखिया का ट्वीट सामने आया है। दिल्ली को बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिलहाल सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चुनाव से पहले ही ऐसा व्यवहार अगर कर रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के साथ में, तो वादे क्या निभाएगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन एक बार फिर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। तो वहीं दिल्ली के साथ भाजपा ने सौतेला व्यवहार किया है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया है, और अगर भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसा कर रही है तो अपने वादे क्या निभाएगी। अगर दिल्ली भाजपा की प्राथमिकताओं में नहीं आता तो दिल्ली वाले भाजपा की प्राथमिकता में कैसे आएंगे, ये सवाल है।